हे गाइस व्हाट्सअप नमस्कार किंचो आदाब सत श्री अकाल वरकम स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस राज में। पीछे मैच हो रहा है मुंबई वर्सेस कोलकाता, जैसा कि आप सभी लोग शायद अभी देख भी रहे होंगे। यहां पर पीछे हमारे साथ जीजू है, बैठ के एकदम टीवी में घुसे रहते हैं और यहां ये और प्रिंस में कॉम्पिटिशन होता है कि हॉटस्टार की आईडी सबसे पहले लॉग इन कौन करेगा, क्योंकि मेरी आईडी पे सिर्फ एक ही आदमी देख सकता है। तो जीजू पहले लॉग इन करते हैं, कभी वो वहां से देख लेता है तो फिर अब पता नहीं चलता। तो आज की जीत हमारे नाम है। और यहाँ पर ये गई हुई थी आज हॉस्पिटल में, बहुत ज्यादा टाइम लग गया इन लोगों को और मनीषा को भी पूरा, सब लोग एकदम लग गया। हम मस्त मजे में नींद में सो रहे थे। नतीजा ये है कि अभी तक कोई हमने ब्लॉग शूट नहीं किया, तो मैंने सोचा कि आज का ही जो ब्लॉग है क्यों ना आप सभी के लिए एक सिंगल गो में कर दिया जाए, ताकि आप लोगों को भी भाई ये ना लगे कि आज ब्लॉग आया नहीं। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग के एंड तक, जस्ट उम्मीद करते हैं कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। मीनवाइल आज की ब्लॉग शुरुआत करें, उससे पहले आपको दिखाते हैं ये चादर, नया बेडशीट पहली बार निशा खरीद के लाई है। मच्छरदानी की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि आजकल का ऑल आउट पे ही जाके मच्छर बैठ जा रहे हैं। पहले उनको लग रहा है कि ऑल आउट से दोस्ती हो गया, उन लोगों घूस घूस ले लिया है, मतलब क्या ही बोला जाए। लेकिन मीनवाइल ये चादर देखिए बहुत अच्छा है, ये पार्सल ने गिफ्ट किया है। हमको पार्सल गिफ्ट किए हैं वो बेलन चौकी, सॉरी पूरा घर गृहस्थी बसाने वाला चीज दे रहा है, रोटी रखने वाला तीन लोग, लेकिन हमको बेडशीट और वो सीए साहब दिए हुए हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आप लोग एंजॉय कीजिए, चलते थोड़ा मनीषा के पास, उनसे ही बात करके आते हैं, फिर इन लोगों का दिमाग खाएंगे। यहाँ पर मनीषा भी पूरा किचन का सफाई की, यहाँ पर बहुत ज्यादा कूड़ा फैल गया था, क्योंकि कूड़ा जो उठाने वाला बंदा है ना, वो ना जाने कितने दिनों से, 6-7 दिनों से नहीं आ रहा है। आर ओ वाले को भी मैंने बोला है कि ये फिल्टर जो है दोनों चेंज कर दें, एक तो ब्लैक वाला इसमें लगा हुआ है, एक व्हाइट वाला लगा है, लेकिन ये भी थोड़ा सा कलर इसका चेंज हो गया, तो मैंने सोचा इसको चेंज कर देते हैं। बर्तन हमारी धो रही है मेरी बाई, नहीं आई, पूरा बर्तन चमका दिए भाई, इतना सारा बर्तन था, जबकि इनको बर्तन धोना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो अब खाना पीना भी दोपहर को इन्होंने बनाया हुआ था, रोटी सॉरी चावल दाल और बैगन की कलौजी, जो कि बहुत अच्छा करिए। अकेले नहीं बनाए थे, क्या बनाई थी तो मतलब दो निशा, निशा भी बनाई थी और अभी ये बर्तन सफाई कर रही है। निशा क्या बनाई थी आज? मैंने चावल दाल बनाया था। चावल और दाल बनाया था गाइस, दाल भी भाभी ने फ्राई किया था, सब्जी उन्होंने बनाया, चावल बस मैंने। चार आदमी का खाना है, दो आदमी बनाता है, गजब आ रहा है। अच्छा है, मिलजुल के करना भी चाहिए काम, तो निशा करेगा मनीषा करेगा। अभी आपको निशा का एक करतूत दिखाते हैं, हट जाओ। निशा केला खा करके यहाँ देखिए छिलका यहाँ फेंकी है, ये देखिए कूड़ा, मेरा मुंडी ढक दी थी अभी। तो अब आप देख सकते हैं कि एक डस्टबिन उठा के यहीं ला कर रख लो वहां से अपना, ना ना तू बहुत आलसी हो, बाप रे बाप केला का छिलका उसमें चप चप कर रहा है। ये राम गाइस यहाँ पे कितना सारा ये मिक्सचर का डब्बा वब्बा का सब गिराई है, छोटा छोटा का है। देखो गाइस ये देखो, ये मिक्सचर का है, ये बादाम का छिलका है, बादाम जो खाती है। अपना मेकअप बॉक्स आधा फेंक दिए नीचे, बाल भी वहाँ पे बेचारा घूम रहा है। अब अपना मुंह ढकने के लिए चादर का इस्तेमाल कर लिए, कोई बात नहीं है, एंजॉय कीजिए आप लोग। बाकी गाइस क्या लगा है आपके शर्ट को? ये लगा हुआ है रंग, जो मनीषा क्या करती है कि जब भी कोई टीका उका करती है तो कपड़ा हमको दे रही थी टीका करके, तो उसके बाद उसके हाथ से यहाँ पर टच हो गया, इसलिए यहाँ पर रंग लगाया। अभी इसके ऊपर कमेंट कर रही है, यहाँ थोड़ा लगता था, थोड़ा दूसरा शक हो सकता था, तो खैर कोई बात नहीं। भाई जी टकनी भी हो गई है भाई, देखो इसका मुंडी खोल देना चाहिए, दांत देखिए दांत भाई, इसका मुंह बंद होता है ना तो दांत ऐसे बंद करती है तो ओट बाहर आ जाता है। मतलब इस घर में ना सबसे स्मार्ट हम ही है, ये ओवर कॉन्फिडेंस के नतीजे हैं। मजाक कर रहा हूँ भाई, थोड़ा सा इसको परेशान, लेकिन इससे तो बहुत मजा। ठीक है ये तो गाना रखे सारी लग जाएगा। ठीक है नून रोटी खाएंगे, ठीक है कोई तो पलास्ती मार के टीवी में घुस, पलास्ती नहीं क्या पलथी बोला जाता है, हम पलस्ती बोलेंगे। अब तुम बताओ, तुम जल जब खा सकती हो तो हम पलस्ती पलथी को पलस्ती नहीं कह सकते, पहले बोलना सीख लीजिए पलस्ती। तुम ही तो जल खाबो। हाँ तो जल खाई तो हमारा बंगाली हमारा जल खाए, हमारे यहाँ जल को पीते हैं, चा खाए, ये लोग बंगाली में क्या होता है तो हर देखो गाइस हर जगह क्या अपना अपना एक प्रोनंसिएशन है। हमारे यहाँ का प्रोनंसिएशन पलस्ती बोलते हैं हमारे घर में, तुम्हारे घर में पलथी बोलते हैं, तो इसीलिए नो कमेंट्स ऑन दैट। ओके नाक साफ करना है तो बाहर जा सकती है।
गाइस मतलब क्या आप बोले, अब छोड़ो हटाओ इसको, तो मैंने ना जले लड़ाई नहीं करी तले। आज पता है क्या हुआ, आज हम गए सुबह सुबह इसको छोड़ के आ गए, हमको लगा 2 घंटे में काम होगा, भाई साहब मनीषा के साथ आए और वो भी ऑटो में क्योंकि हम लेने जा नहीं सके आज, इंस्टीट्यूट पे कोई भी मतलब फैकल्टी नहीं थे, तो अब अकेले मेरे को ही सबको वो करना पड़ गया। वैसे तो बच्चे भी थोड़े कम आए हुए थे तो चलो मैनेज हो गया, लेकिन फिर वही है कि बहुत ज़्यादा क्लासेस के अलग अलग बच्चे आ जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा अमाउंट ऑफ 390 हैज़ बीन रिसीव्ड फॉर बिल पेमेंट। अच्छा पता नहीं बिजली का बिल का मैसेज क्या, तुम क्या मोबाइल से कर लियो, बिजली का बिल आ गया, जमा करना पड़ा। कंघी समझ के बताओ, जहाँ कैमरा कंघी दिख जाए ना ऐसे ऐसे करना स्टार्ट हो जाएगा इन लोगों का। तो आप लोग बताना गाइस कैसे हैं आप सभी लोग, बाकी आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए थे, बहुत सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ मैं, रिप्लाई भी बहुत लोगों को कर दे रहा हूँ आजकल, क्योंकि निशा बोली कि रिप्लाई तो भैया कर दीजिए कम से कम, तो हम बोले कि हाँ यार रिप्लाई कर देते हैं कुछ मैसेज का रिप्लाई। अब मनीषा चूँकि कॉलेज रहती है और मैं भी आज तो भाई इतना गंदा नींद आ रहा था ना कि क्या ही हम बोले, एकदम सो रहे थे, इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा है मैच, पता नहीं कितना देर से मैच, दिन रात 24 घंटा मैच चलते रहेगा बाकी। अब ए भाई खाना वाना नहीं बनेगा, बर्तन वर्तन धो के आ गई, अब खाना का हमको लग रहा है डिपार्टमेंट निशा करेगी, अब ये थोड़ा पढ़ने बैठेगी, एक्टिव हो जा रहा है गाइस। खाना देखिए, खाना लेके जाती है खाना के साथ, तो भाई क्या अच्छा, ये एप्पल है, एप्पल खा के उसका कूड़ा भी रखी है, ये नहीं कि कॉलेज के डस्टबिन में डाल दे, कॉलेज से बाहर निकलते नहीं है ना, कॉलेज में डस्टबिन के लिए बाहर निकलना पड़ता है कूड़ा। चलो कोई बात नहीं है, तो ये सब तो हटा दो, बैग खाली करेगी बेड पे ही, तो हटा कर तो वहाँ पे साइड कर दो, पानी वानी थोड़ा सा पीते हैं गाइस, बहुत ज़्यादा मैं भी बोल रही हूँ कंटिन्यूस ब्लॉग में, तो बने रहिए आप लोग। निशा तो गई पढ़ने, मनीषा कह रही हम बर्तन धो लिए हम पढ़ने बैठ रहे हैं, किचन का काम अब निशा करेगी, तो हम बोलेगी निशा तो कह रही है कि हम आराम करेंगे, ते कर अब ते जी मत निकाल, जूम कर दें फिर, देखिएगा जहाँ जीभ निकालिए फिर जूम करेंगे थोड़ा सा। क्या खाइए? अरे यार खाए तो अभी थे हम लोग, इतना मस्त खाना बनाई थी, क्या क्या है खाना? करेला है और बाहर करेला का नाम तो करेला है और बस वो है, लौकी है और कुछ नहीं है। करेला है, लौकी है, बैगन तो बन गया, लौकी बनेगा। कल खाए थे लोग लौकी, परसों खाए थे लोग, कल कहाँ खाए थे लोग? गाइस हमारे दिन मतलब पिछले 3 दिन आज हैट्रिक कर ही दो, 2 दिन से खा रहे हैं, आज तीसरा दिन लौकी का सब्जी और घी लगा करके मस्त गर्मा गर्म रोटी, रात को लेकिन 11 बजे तक खाया जाएगा आराम से, है ना, वैसे भी अभी 8-9 बज चुका है, आराम से खाना खाते खाते 10-11 हो जाना चाहिए। सो गाइस अब इस ब्लॉग को करते हैं एंड, छोटा सा वीडियो था, ज़्यादा कुछ इसमें वह शूट नहीं किया, बस नॉर्मल डेली ब्लॉग ही था घर का। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर अगर आपने हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, बाकी हम लाली धूम धड़ाका वाली लड़ाई चलती रहेगी जारी रहेगी। इसी उम्मीद के साथ आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं कि आप लोग हमारी वीडियो को जरूर लाइक किए होंगे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल। इनका मुंह देख लीजिए मीनवाइल कैसे की थी जाते जाते, बहुत मतलब खतरनाक ओपी किस्म की इंसान है ये, और इनको भी देखा है ओपी, पता नहीं ओपी, हम लोग फ्री फायर में वो लड़का सब बोलता है ओपी, पबजी में ओपी, मेरा होंठ फट रहा है। हाँ तुम्हारा तो जैसे से मिले ना 2 साल से, तो ये से होंठ फटता है, जीव निकलते रहता है हम क्या बोल सकते हैं, फिर दिखलाता, देखिए जैसे कैमरा इधर जा रहा है पट से जीव निकल रहा है और खींच दे मैं क्या ली। ठीक बा गाइस, रखा था नहीं ढेर हो गई, जाए जाए जात जात वाला उसे भोजपुरी में विदा लेता नहीं, ठीक बा, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, काटता नहीं।